लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर है जब एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को अपनी विरासत सौंप रही है। छिंदवाड़ा से विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नामांकन किया। साथ में हैं कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ ने पिता की छोड़ी गई सीट पर कांग्रेस की ओर से लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर पर्चा भरा। दोनों ने ही चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में अपनी संपत्ति उजागर की है। नकुल नाथ की संपत्ति पहली बार सामने आई है। नकुल नाथ के पास कुल 657 करोड़ 7 लाख रुपए की संपत्ति है। ये उनके पिता कमलनाथ की संपत्ति से 5 गुना से भी ज्यादा है। कमलनाथ की संपत्ति 124 करोड़ रुपए है। नकुल नाथ के पास 41 करोड़ रुपए का फ्लैट दिल्ली में है। संपत्ति के मामले में तो नकुल नाथ अपने पिता कमलनाथ से काफी आगे हैं, लेकिन क्या राजनीति में भी वो अपने पिता से 5 कदम आगे रहने वाले हैं? कमलनाथ छिंदवाड़ा से 9 बार सांसद रहे हैं। कांग्रेस में भी कमलनाथ का अपना रसूख है। मुझे उतना ही विश्वास है जो मुझे 40 साल पहले था और 40 साल दौरान रहा। छिंदवाड़ा के मतदाता और मध्य प्रदेश के मतदाता मेरा साथ देंगे, हमें मौका देंगे इतिहास बनाने का। आज मैं दूसरा रिश्ता जोड़ने जा रहा हूँ, वो है राजनीति का। और मुझे जैसे प्यार और आशीर्वाद मिलता रहा, मुझे पूरी उम्मीद है मुझे यही प्यार आशीर्वाद मिलते रहे। कमलनाथ की पत्नी अलका संपत्ति के मामले में कमजोर है। अलका के पास सिर्फ 2.25 करोड़ रुपए की संपत्ति है। अलका के पास सिर्फ 2.30 करोड़ रुपए हैं, जो कि कैश बैंक FD शेयर और ज्वेलरी में निवेश किए गए हैं। जबकि नकुलनाथ की पत्नी प्रिया के पास 230 ग्राम सोना है तो नकुल के पास 896 ग्राम गोल्ड है। प्रिया के पास कुल 57 लाख रुपए की ज्वेलरी है। नकुल के पास 78 लाख रुपए की ज्वेलरी है। सबसे खास बात यह है कि नकुल और उनकी पत्नी प्रिया नाथ के पास कोई गाड़ी नहीं है। करीब 40 साल से छिंदवाड़ा की सियासत में कमलनाथ का इकबाल बुलंद है, लेकिन अब ये जिम्मा नकुल नाथ के ऊपर है।